इस दुनिया के सबसे आसान F12 की वीडियो में स्वागत है भाई साहब। मुझे नहीं पता स्वागत कैसे बोलते हैं, वेलकम भाई साहब आपका मेरी वीडियो में। भाई आज की वीडियो अगर तुम लोग देख लेते हो तो यार कसम, एक सेकेंड यार, कसम भाई साहब, QASAM, कसम से तुम लोग रूबिक्स क्यूब को F12 से सॉल्व कर लोगे, मतलब F12 मेथड से। यार उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स जानने पड़ेंगे, तो मैं बेसिक्स को तुम लोगों को एक पैड, यार ये इतना ब्राइट क्यों है, हाँ अब काफ़ी बेहतर है। तो उन बेसिक्स को थोड़ा सा समझाने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ, यार जो मेथड अब हम सीखने वाले हैं इसके लिए तुम्हें पहले क्यूब को सॉल्व करना आना चाहिए। आज की वीडियो में तुम्हें रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना नहीं सिखा रहा, तुम्हें बिगनर्स मेथड जिसको हम लेयर बाय लेयर मेथड बोलते हैं उस मेथड से ये रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जाके क्यूब सीख लो फिर ये वीडियो देखना। ये थोड़ा सा एडवांस्ड मेथड है और इस मेथड के जरिए आप लोग क्यूब को 30 सेकेंड 20 सेकेंड 10 सेकेंड्स में सॉल्व करने का ये मेथड काम आता है, ठीक है। खैर हमने जानने हैं सबसे पहले बेसिक्स। भाई इस मेथड का मेन नाम है CFOP। भाई क्या मैं कह गया, CFOP, CFOP। अच्छा भाई ये क्या कुछ है सब कुछ, अब तुम लोग मान जाओगे जो ही मैं बताऊंगा कि तुम लोगों को ये सब कुछ पहले से ही आता है। सी का मतलब है क्रॉस, अच्छा जो पिछली वीडियो में हमने सीखा बॉटम में बनाना, मतलब तुम लोगों को क्रॉस बनाना आता है। एफ का मतलब है F2L, यानी कि F12 फर्स्ट टू लेयर्स, हमारी ये और ये पहली दो लेयर्स होती हैं नीचे वाली वाइट की और उसके साथ वाली, ये है हमारी फर्स्ट टू लेयर्स। बिगिनर्स मेथड में हम क्या करते थे, मैं तुम लोगों को बता दूं थोड़ा सा ताकि तुम लोगों को आइडिया पड़ जाए। जो ही क्रॉस बनाते थे बिगिनर्स मेथड में, उसके बाद हम सबसे पहले पहली लेयर को सॉल्व करते थे, ऐसे ही है, हम पहली लेयर को सॉल्व करते थे और उसके बाद हम अपने एजेस को लगाते थे, यानी उसके बाद हम अपनी दूसरी लेयर को सॉल्व करते थे कुछ इस तरह। जबकि F12 में हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा तुम लोगों को इसका ओवरव्यू देना चाहूँगा ताकि तुम लोग थोड़ा सा प्रिपेयर रहो कि हम क्या करने वाले हैं। क्रॉस बनाने के बाद बॉटम में क्रॉस बनाना ज़रूरी है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में सिखा दिया है। बॉटम में क्रॉस बनाने के बाद इस तरह का पेयर बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं पेयर, देख रहे हो ये कॉर्नर उसका HP साथ साथ मिले हुए हैं। ये दो किस्म के पेयर होते हैं, एक मिले हुए और एक अलग अलग, ये मिला हुआ है। जब हम पेयर बना लेते हैं उसको स्लॉट में इंसर्ट कर देते हैं, ये एक पेयर, ये देख रहे हो ये एक पेयर बन गया। इसी तरह बाकी की तीनों स्लॉट्स में, इसको हम स्लॉट बोलते हैं, ये जो है इनमें हम बाकी के तीन पेयर बनाएंगे। जैसे ये हमने एक और पेयर, अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये आगे जाके तुम लोगों को सिखाऊंगा कि तुम लोगों ने पेयर्स कैसे बनाने हैं। अब इस पेयर को मैंने बना लिया तो यहाँ इंसर्ट कर देंगे, अब ये वाला और ये वाला पेयर रह गया। अब एक अच्छा, F12 की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि कभी कभी पेयर बना हुआ मिल जाता है यार। अच्छा ये यहां आ गया और ये है आखिर, देखा आखिरी पेयर भी बना हुआ मिल गया। यही चीज इस मेथड को दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मेथड बनाती है क्यूब को सॉल्व करने का, और हम इकट्ठी पहली दो लेयर्स को सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस की बात हमने पिछली वीडियो में कर ली, आज हम बात करेंगे F12 पर। OP को हम बाद में जानेंगे, अभी तुम लोग टू लुक OLL, टू लुक PLL सीख लिया ना, उससे तुम लोग 5-6 सेकंड में लास्ट लेयर को सॉल्व करने के काबिल हो गए हुए हो। F12 ही ऐसी बात है, कह लो सबसे मुश्किल पार्ट जो लोगों को लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, आज की वीडियो के बाद नहीं लगेगा। और आई थिंक अब हम बकवास बहुत हो गया, मेन टॉपिक की तरफ आ जाएं। सबसे पहली बात, जो ही आप लोग F12 मेथड सीखोगे तो आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर आप बिगिनर्स मेथड से, यानी लेयर बाय लेयर मेथड से, अगर आप लोग 1 मिनट में क्यूब सॉल्व करते थे तो F12 सीखने के बाद आप लोग F12 से शायद 3-5 मिनट तक चला जाए आपका टाइम। यानी बिगिनर से अगर आप 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, F12 सीखने के बाद F12 से सॉल्व करते हो तो टाइम शायद हो सकता है 5-6-7-8 मिनट तक चला जाए भाई, और तुम लोग टेंशन में आ जाओगे कि भाई मैंने तो फास्टेस्ट मेथड सीखा था, मेरा तो टाइम मजीद बढ़ गया। भाई होता है, शुरू में ऐसे ही होता है, लेकिन तुम लोगों ने डिसाइड हो के दोबारा बिगिनर्स मेथड पे नहीं आना। ये कुछ वार्निंग है, कुछ मतलब डिस्क्लेमर टाइप का कुछ मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। तुम लोगों ने हर हाल में फिर भी F12 से ही सॉल्व करना है। शुरू शुरू में पीसेस ढूंढने
करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ग्रेजुअली जो जो तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, 2-3-4 दिन के बाद तुम लोग एक वाजिया डिफरेंस देखोगे अपने टाइमिंग में। लेकिन हाँ, शुरू में तुम लोगों का टाइम बिगिनर्स मेथड से ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 3-4 दिन में बिगिनर्स लेवल के अंदर आ जाएगा, उससे कम टाइम में सॉल्व करने लग जाओगे। और यहाँ से हमारा मेन ट्यूटोरियल शुरू होने लगा है, जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखने लगे हैं। भाई हमारा मेन गोल क्या रहेगा यार, ये देखो, हमने क्रॉस सॉल्व कर लिया, मैं थोड़ा और स्क्रैम्बल करता हूँ। उसके बाद हमारा मेन गोल क्या रहेगा, हमारा मेन गोल रहेगा इस तरह का पेयर बनाना। दो गोल रहेंगे, लेकिन पहला ये कि इस तरह का पेयर बनाना, ठीक है। इस तरह का पेयर कैसे बनाना आगे जाके सीखते हैं। जब इस तरह का पेयर बन जाएगा, तो अब तक क्योंकि आप लोग बिगिनर्स लेवल से सॉल्व करते आए हो क्यूब को, तो आपको इतना तो पता लग गया कि इस पेयर ने इधर जाना है, वाइट ऑरेंज और ग्रीन के बीचों बीच इस पेयर ने जाना, देख रहे हो। तो इस पेयर को यहाँ पे कैसे आप लोग इंसर्ट करोगे, ईजी है बिल्कुल। ऊपर एल्गोरिथम भी चल रहा है यार, वैसे मैं सच बताऊँ F12 को एल्गोरिथम की बेस पर सीखना बेवकूफ़ी है। अच्छा, इसने इधर जाना है, इन्वर्स सेक्सी जिसको हम बोलते हैं। तो अगर इस पेयर ने इधर जाना है, तो इस पेयर को इस लेयर से हटाएंगे, जिस लेयर में जाना उसको ऊपर करेंगे, पेयर को वापस करेंगे और इंसर्ट, और इस तरह आपका पेयर इंसर्ट हो जाएगा। मेन गोल पेयर बनाना है, पेयर बनाने के बाद हम इसको इस तरह इंसर्ट कर लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को इंसर्ट करना सिखा रहा हूँ, ताकि आगे जाके आप लोग कहो ना यार, तुमने पेयर तो बनाना सिखा दिया, इंसर्ट करना सिखाया ही नहीं। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था हमारे दो मेन गोल रहते हैं, अब दूसरा मेन गोल क्या रहता है। पहला तो हमारा मेन गोल है कि हम पेयर बनाएं इस तरह का, दूसरा मेन गोल है हमारा कि हम इस तरह कुछ बनाएं। अच्छा, तुम लोग सबसे पहले एक चीज नोट करना, जब मैं ये कॉर्नर पीस इधर इंसर्ट करता हूँ, अभी पेयर को भूल जाओ, अभी सोचो मैं ये कॉर्नर पीस इधर इंसर्ट कर रहा हूँ, ये मैंने कॉर्नर पीस इंसर्ट किया, तो गौर करना ये जो पिछला एज है ये इसके साथ चिपक रहा है, देखना, और ये चिपक के ये वाला एज इस कॉर्नर के साथ चिपक कर इधर इंसर्ट हो रहा है, जब मैं कॉर्नर को इंसर्ट कर रहा हूँ, देखना इस कॉर्नर और इस एज को, देखना इस कॉर्नर को मैं इधर इंसर्ट करने लगा हूं। अब ये देखो, ये इसके साथ चिपका, ये चिपक गया, ये है मेरे साथ, और ये कॉर्नर इंसर्ट करते हुए ये भी इंसर्ट हो गया, देख रहे हो। और सोचो अगर हम इसी का ही एज इसके पीछे रख दें, ग्रीन ऑरेंज और ये ग्रीन ऑरेंज, ये इसी का ही एज है, देखो ग्रीन ऑरेंज यहां पर ही आना है, मतलब। तो अब जब हम इस कॉर्नर को यहां पे इंसर्ट करेंगे, इस कॉर्नर को मैं इंसर्ट कर रहा हूं, तो वो इस अपने ही एज के साथ चिपक जाएगा और अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ये कैसे हमने बनाना है वो आगे जाके सीख लेते हैं। मेन हमारा गोल यही है कि या तो हम इस कॉर्नर के पीछे वो एज ले आए जिसके साथ ये चिपक के यहां पे इंसर्ट हो जाए, या फिर हम इस तरह का पेयर बना लें। बस ये दो चीजें तुम लोगों ने F12 में देखनी है और तुम लोगों को F12 से सॉल्व करना आ जाएगा। अब हम उस पॉइंट पे जहां तक तुम लोगों को यह पता लग गया कि अच्छा हमने पेयर बनाना है या फिर उस कॉर्नर के पीछे उसका एज रखना है, ठीक है, इतना तुम लोगों को पता लग गया, बेसिक इंसर्शंस पता लग गई है कि किस तरह पेयर्स को इंसर्ट करना है। लेकिन अब यहां पे हम बात करेंगे हमारा F12 का पहला स्टेप क्या है। भाई पहला स्टेप यह है कि कॉर्नर और एज पीस दोनों हमारे टॉप लेयर में हर हालत में होने ही चाहिए। मैं फिर बता दूं, यहाँ पे क्रॉस बनाना बॉटम में मैं नहीं सिखाने वाला, पिछली वीडियो देख लो, लर्न स्पीड क्यूबिंग सीरीज की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बॉटम में क्रॉस बनाना F12 के लिए ज़रूरी है। सबसे पहला हमारा काम यह है कि जो टॉप लेयर है, इसको हम टॉप लेयर बोलते हैं, यू लेयर बोलते हैं ना अपर लेयर, ये टॉप लेयर है हमारी। इस टॉप लेयर में जोन सा हमने पेयर बनाना है, जोन सा F12 के कलर का पेयर बनाना है, जैसे मिसाल है मैंने इसका पेयर बनाना है भाई, रेड और ब्लू, इसका मैंने पेयर बनाना है, तो मुझे इसका कॉर्नर जिस तरह टॉप की लेयर में है, उसी तरह इसका एज भी टॉप की लेयर में चाहिए। अभी इसका एज दूसरी लेयर में है, सेकंड लेयर में, वो टॉप की लेयर में नहीं है। ये कॉर्नर अगर टॉप पे है तो एज भी टॉप पे चाहिए। अब वो कैसे आएगा, अगर तो एज यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं भी फंसा हुआ है, दो सूरतें हैं, दो सिचुएशन है, या तो वो एज पहले ही टॉप में होगा, यानी कॉर्नर और एज पीस दोनों टॉप में होंगे, जो कि बेहतरीन है, हमें वही चाहिए, या फिर या तो कॉर्नर या एच पीस अंदर फंसा होगा, अभी 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 एच पीस फंसा हुआ है, तो हम सिंपली इसको आर यू आर प्राइम से बाहर निकाल सकते हैं, ईजी, बिल्कुल ईजी है। ये कॉर्नर है, ये एज है, एच को हमने टॉप के लेयर में लेकर जाना है, ये आर साइड पे करेंगे और अपने क्रॉस को ठीक कर देंगे, दोनों आगे हमारी टॉप की लेयर में। दूसरा मसला यह है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों का जो कॉर्नर है वो तो टॉप में ही है, लेकिन जो एज है वो
दरमियान वाली लेयर में भी नहीं है, टॉप पे भी नहीं है, बल्कि उसके साथ चिपकी हुई है और वो ठीक पेयर नहीं बने हुए। ये देख सकते हो, ये पेयर नहीं है, ये पेयर ख़राब बना हुआ है। तुम लोग देख सकते हो यहाँ से, ये तो मैच कर रहा है, यहाँ से रेड मैच नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को अलग अलग करना है। अलग अलग कैसे करना है? अगर हम ये राइट वाली लेयर आर प्राइम यू आर, यार तुम लोग इंट्यूटिवली भी देख लो, ये हम कॉर्नर को नीचे करेंगे एक दफ़ा, इसको एक दफ़ा साइड पे करेंगे और इसको ऊपर करेंगे, तो वो दोनों अलग अलग हो गए। शायद तुम अब तक समझ गए हो, बल्कि मैं तुम लोगों को एक तीसरा केस दिखा दूँ, फिर तुम लोग कहोगे तुमने वो नहीं बताया। अच्छा, मिसाल है, ये एक ऐसा केस है कि एज पीस अभी टॉप पर है, ठीक है, और इसका कॉर्नर नीचे है। तो ऐसे सिचुएशन में अब कॉर्नर को बाहर कैसे निकालना है? आर यू आर प्राइम से। लेकिन इस असना में ये चिपक गए, तो आप लोग अगर एक दफ़ा एच पी इसको साइड पे करके इसको निकाल दो आर यू आर प्राइम, तो वो दोनों टॉप पर आ गए और अब तुम लोग एफ ट्वेल्व को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। एफ ट्वेल्व में सिर्फ तीन केसेस हैं हमारे मेन। अगर ये तीनों केसेस तुम लोग सीख लेते हो, तो तुम दुनिया का कोई भी क्यूब एफ ट्वेल्व से सॉल्व करना सीख जाओगे। मैं तुम लोगों को डराना चाह रहा हूँ, ये दिखाकर ज़्यादा केसेस, ताकि तुम लोगों में हौसला पैदा हो। भाई सबसे पहला केस क्या है? मैंने क्या बताया था, दोनों पीसीज हमें टॉप की लेयर में अलग अलग चाहिए, साथ साथ जुड़े नहीं चाहिए। इस वक्त हम टारगेट कर रहे हैं ग्रीन, रेड और वाइट को, अपने जहन में बिठा लो। तो इसका एच पीस रेड ग्रीन होगा, वाइट तो नहीं ना एच पीस में आता। इसका एच पीस ये रहा रेड ग्रीन। अब तुम लोगों ने टॉप से देखना है, तीन केसेस हैं, उसमें से पहला केस कौन सा है कि टॉप के दोनों कलर मैच नहीं हैं, एक रेड है तो एक ग्रीन है, मैच नहीं है दोनों के टॉप के कलर। तुम लोग गौर से देख लो, टॉप के कलर दोनों के मैच नहीं है, ये एज है, ये है हमारा कॉर्नर। अच्छा, दूसरा केस क्या है? भाई दूसरा केस मैंने कहा था हमने रेड ग्रीन को करना है अभी ना टारगेट, और ये रेड ग्रीन है। इस पर देखो टॉप के दोनों कलर्स मैच है, जबकि इस पर मैच नहीं है टॉप के कलर्स। और तीसरा क्या है? तीसरा है कि भाई हमारा ये है कॉर्नर और ये है उसका एज, लेकिन कॉर्नर के टॉप पर वाइट है। इन दोनों में कॉर्नर के टॉप पर हमारा वाइट नहीं है, बल्कि साइड पे है, किसी भी साइड पे हो सकता है, इधर भी इधर भी। लेकिन इस सिचुएशन, तीसरे सिचुएशन और सबसे मज़ेदार सिचुएशन, इसके कॉर्नर के टॉप पर वाइट है। अगर तो कॉर्नर के टॉप पर वाइट हो, तो एज पर फिर जौन सा भी रंग टॉप पर हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉर्नर के टॉप पर वाइट है तो ये तीसरा केस है भाई, बात ख़त्म। तीसरे केस को बाद में समझेंगे, सबसे पहले पहले केस को समझेंगे। पहला केस क्या था? जिस पे टॉप के दोनों कलर सेम ना हो। दूसरा केस क्या है? जिसके टॉप के दोनों कलर सेम हो। याद रखना है, कॉर्नर और एज दोनों टॉप की लेयर में होने चाहिए। पहला केस हम कैसे सॉल्व करेंगे? भाई दोबारा एक दफा सिचुएशन समझा देता हूं, कुछ लोग अभी डर रहे होंगे ना। ये है हमारा कॉर्नर, ये है हमारा इसका एज, इसका पार्टनर बोल लो, रेड ग्रीन रेड ग्रीन, और टॉप पे दोनों का कलर मैच नहीं है, ठीक है। इसका हमने पेयर बनाना है, किस तरह बनाना है वो मैं बताता हूँ। जब ऐसी सिचुएशन आए, जब टॉप के दोनों कलर्स मैच ना हो एज और कॉर्नर के, तो कॉर्नर के किसी ना किसी तरफ वाइट तो होगा ना, या इधर होगा या इधर होगा, इधर होगा या इधर होगा वाइट। अभी इस सूरत में, इस कंडीशन में वाइट इस तरफ है। अगर तो वाइट इस तरफ है, तो हमने देखना कि क्या वाइट के पीछे इसका पार्टनर है, यानी कि इसका एज पीस। अभी देखो वाइट के बिल्कुल पीछे ये बनता है, वाइट के पिछला पार्ट ये बनता है, वाइट का पिछला ये तो नहीं ना बनता, ये तो भाई अगर गौर से देखो तो वाइट का पिछला यही बनाना, वाइट इधर है तो इसके पीछे वाला पार्ट यही बना, इसके पीछे एज पीस है, हमें इसके पीछे एज पीस नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? देखो हम जैसे ये वाइट रेड है, वाइट रेड है ना, टॉप के दोनों कलर्स मैच नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे कैसे इंसर्ट करेंगे? जिस लेयर में जाना है उसको ऊपर करके इंसर्ट करेंगे ना। तो अभी अगर वाइट के पीछे एज होगा, तो यहाँ पे ये वाला चिपकेगा इसके साथ, ये वाला पेयर बन जाएगा, और ये ऑरेंज और येलो अंदर चला जाएगा। इसलिए हमने इसके पीछे ये वाला पीस लेकर आना है इसका एज, ताकि जब हम इसको ऊपर करें तो ये वाला पीस चिपके, समझे? मैं बताता हूँ, ये वाइट के पीछे हमें एज नहीं चाहिए। किस कंडीशन में? जब टॉप के दोनों कलर्स मैच ना हो। अब इस वाइट के पीछे ही एज है, तो हम इस एज को इधर लेकर आएंगे, इधर नहीं लेकर आना, उसके साथ नहीं जोड़ना अभी, क्योंकि अभी टॉप के कलर मैच नहीं है। वो जोड़ना तब है जब टॉप के कलर मैच हो, वो आने वाली सिचुएशन हम समझते हैं। अच्छा, इस वाइट के पीछे हमें एज नहीं चाहिए, तो इसका मतलब इधर चाहिए, ठीक है। इधर कैसे लेकर आएंगे? बहुत ईजी है। इधर लाने के लिए हम एक दफ़ा इस कॉर्नर को नीचे करेंगे, इस कॉर्नर को नीचे किया, अब ये जो एच पीस है ये आगे की इधर लेकर आनी थी,
और कॉर्नर को हमने वापस कर दिया। और अब तुम लोग देख सकते हो जब हम एक दफ़ा इसको ऊपर करेंगे तो हमारा पेयर बन रहा है। और मैंने बेसिक इंसर्शंस तुम लोगों को सिखा दी है वीडियो के शुरू में कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमने इसको इसके साथ इसको चिपकाना है क्योंकि इसने इस लेयर में जाना है, इतना तो तुम लोगों को पता है ना, बिगिनर्स मैथड से सॉल्व करते रहे हो। ग्रीन रेड वाइट और इसका एच पी सी है। और अब हम इसको इसके साथ मैच करके जिस लेयर में जाना है उसमें करके उसको नीचे कर देंगे तो हमारा बन गया पहला पेयर। और यही था हमारा पहला केस, और कसम से सबसे मुश्किल जो केस है वो यही था, बाकी सारे केस बहुत आसान है। दूसरे केस की बात करते हैं। पहले केस में दोनों टॉप पे थे, अलग अलग थे, लेकिन दोनों के टॉप के कलर्स अलग अलग थे, ठीक है। अब दोनों के टॉप के कलर सेम है। अब हमने वाइट कॉर्नर पीस देखना, कॉर्नर पीस में वाइट किस तरफ है, वाइट इस तरफ है, यानी कि ये लेयर हमने नीचे नहीं करनी, जिस तरफ वाइट होगा हमने उसको साइड पे कर देना। वाइट हमने साइड पे कर दिया, अपने फ्रंट पे नहीं रखना, हमने वाइट साइड पे कर दिया, ठीक है। लेकिन ये कॉर्नर अपने सामने रखना है, वाइट साइड पे हो गया। अब इस कॉर्नर को एक दफ़ा नीचे करना है क्योंकि ये एच पीस को हमने इधर लेकर आना है, टॉप के कलर्स मैच है। इस केस को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, देखना। अब इस एच पीस को, इस कॉर्नर को देखना, जब हम वाइट साइड नीचे नहीं करनी, दूसरी साइड करनी है, नीचे करेंगे ये कॉर्नर पीस और ये एच पीस इधर लेकर आएंगे, ये देखो ये इधर आ गया, तो जब कॉर्नर वापस करेंगे तो वो पेयर बन गया ना। ओह भाई साहब, मैं दोबारा बताता हूँ यार, ये देखो ये है हमारा एच पीस, ये है हमारा कॉर्नर। एल्गोरिथम से सीखना छोड़ दो केसेस को, अब ये टॉप के कलर्स मैच हैं। अब कॉर्नर का जिस तरफ वाइट है ना, वो हमने अपने फ्रंट पे नहीं रखना, वो हमने साइड पे कर देना है, लेकिन कॉर्नर फ्रंट पे रहे। मतलब हम ऐसे भी तो वाइट साइड पे कर सकते हैं, लेकिन वो पीछे चला जाएगा। वाइट साइड पे किया, इसका एच पीस ये है, ये है, ये एच पीस। तो हम क्योंकि टॉप के कलर्स मैच हैं तो एक दफ़ा इस कॉर्नर को नीचे करके इधर एच पीस लाएंगे तो ये पेयर बन जाएगा। तो जब ये है इसका एच पीस, याद रखना, इस कॉर्नर को मैं नीचे कर रहा हूँ और इस एच पीस को इधर लेकर आ रहा हूँ, ये देखना, ये एच पीस इधर आ गया। और अब जब कॉर्नर वापस करूंगा तो वो पेयर बन गया। अब इस कॉर्नर को इधर इंसर्ट करना मैं शुरू में ही सिखा दिया, राइट साइड पे कैसे करते हैं, सेम वैसे ही लेफ्ट साइड पे भी करते हैं, क्योंकि ये कॉर्नर और एज ने इधर जाना है तो हम एक दफ़ा इसको लेफ्ट में भेजेंगे इधर जाना, तो जिस लेयर में जाना है उसको ऊपर करेंगे, इंसर्ट करेंगे और बूम, हमारा दूसरा F12 का केस सॉल्व करना तुम लोग सीख चुके हो, मुबारक हो। और भाई ये रहा हमारा भाई सो कॉल्ड सबसे आसान, नहीं भाई मजाक के अलावा सबसे आसान है, कसम से सबसे आसान है ये वाला, मतलब इसको पेयर बनाना बहुत आसान है क्योंकि इसमें कोई झंझट ही नहीं है। हमने ऊपर के कलर्स देखने ही नहीं कि अलग अलग हैं या मैच कर रहे हैं। कॉर्नर के टॉप पे वाइट है, ठीक है भाई, ये तीसरा केस है, इसको तीसरे केस में डालो भाई। तीसरे केस को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले कॉर्नर और एच पीस हमने टॉप पर लेकर आने हैं। कॉर्नर भी टॉप पे है, उसका एच पीस भी टॉप पर है, रेड ग्रीन दोनों टॉप पर है। अब हमने इसके एच पीस का ये वाला जो, याद रखना ये है कॉर्नर इसका, ठीक है, इसका जो साइड कलर है ये कलर देखो, ये वाला, ये कलर इसके सेंटर पीस से मैच करना है। अभी तो मैच नहीं है, अभी मैच नहीं है, अब मैच हो गया। अब तुम लोग इसको राइट में रख सकते हो या लेफ्ट में रख सकते हो, तुम लोगों की अपनी मर्जी है वो, उस पर मैं नहीं कुछ कहता, लेकिन अगर मेरा फॉलो करना है तो अभी राइट में रखो, ऐसा ऐसा तुम लोगों को खुद ही पता पड़ जाएगा लेफ्ट में कैसे करना है, क्योंकि सेम अपोजिट मूव्स होते हैं। अच्छा ये देखो, ये राइट में हमने एज रख लिया उसके सेंटर पीस से मैच करके। अब देखो ये रेड ने इधर आना है, इधर ही आना ना, इस एज पीस ने इधर आना है, ग्रीन रेड, ये देखो ग्रीन रेड से मैच करेगा ना, इसने इधर आना है। अगर तो इसने इधर आना है तो इसको हमने इधर नहीं भेजना, इसको हमने ये याद रखना है, इसका कॉर्नर ये है, इसको हमने अपोजिट भेजना है, मतलब कि इस लेयर से दूर करना, पीछे कर देंगे इस एच पी को और इस कॉर्नर को इस एच पी के ऊपर ले आएंगे, आ गया ऊपर, और जब वापस करेंगे तो वो हमारा पेयर बन गया होगा। भाई इससे आसान कोई टेक्निक इस दुनिया में नहीं है पेयर बनाने की। और जो ही पेयर बन जाए तो तुम लोगों को पता है इस पेयर को यहाँ पे कैसे इंसर्ट करना है, इन्वर्स एक्सिस से। एक दफ़ा इस पेयर को यहाँ से हटाएंगे, जिस लेयर में जाना है उसको ऊपर करेंगे, अंदर इंसर्ट करेंगे, नीचे करेंगे और हमारा F12 सॉल्व। तुम्हें दुनिया का हर केस F12 का सॉल्व करना आ चुका है, मुबारक हो। अगर तो बात कीजिए भाई बेसिक F12 की, वो इतना ही था, ठीक है। अभी भी कुछ लोग डर रहे होंगे कि हमें नहीं समझ आई, तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग डर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करने वाला हूँ ताकि तुम लोग F12 को मजीद समझ जाओ। ये जो मैंने 2-3 केसेस बताए हैं यही घूम घूम के इस क्यूब में आने हैं। ये 3 केसेस अगर तुम लोग रट लो ना, जो 3 केसेस बता चुका हूँ, टॉप के दोनों कलर सेम नहीं और कॉर्नर के टॉप पे वाइट, ये 3 केसेस जो अभी सीखे हैं, अगर सीख लो तुम लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। पहला एग्जाम्पल सॉल्व हम देखने वाले हैं
और क्रॉस मैंने बना लिया, बॉटम में ही क्रॉस बनाना क्योंकि बॉटम में, अच्छा अगर तुम लोग अभी भी टॉप पे क्रॉस बनाते हो तो टॉप पे क्रॉस बना के फिर ऐसे करने में ही कितने सेकंड्स चले जाते हैं भाई, तो बॉटम में क्रॉस बनाना सीखो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है F12 के लिए, वो ज़रूरी है। अच्छा जी, पहला एग्जाम्पल सॉल्व F12 के पेयर्स का, और चार पेयर्स हैं, क्यों डर रहे हो यार? अच्छा मैं सबसे पहले चूज करूंगा भाई मैं कौन सा पेयर बनाऊं। अच्छा मैंने चूज कर लिया, मैं ये वाला पेयर बनाना है भाई, ग्रीन ऑरेंज भाई, मुझे लगता है कि ये पेयर बहुत अच्छा बनेगा ये। अच्छा मैं इसका एच देखूंगा, एच की इधर है, इधर 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 नहीं, ये रहा इसका एच, देखो ग्रीन ऑरेंज, ग्रीन ऑरेंज। अब मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तुम लोगों ने कॉर्नर और एच टॉप में लेकर आने हैं, कॉर्नर तो पहले टॉप में, एच को भी टॉप में ले आएंगे आर यू आर प्राइम से, दोनों टॉप में आ गए। अब देखो अब कौन सा केस है, ये है तीसरा केस, हाँ जिसमें टॉप पे वाइट होगा कॉर्नर के, और जब टॉप पे वाइट हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एच के टॉप पे कौन सा कलर है, हमने सिर्फ एच पीस को, इस एच पीस को इसके सेंटर कलर से मैच कर देना, मैच कर दिया, कर दिया मैच, इसको हम राइट साइड पे भी रखते हैं। अब देखेंगे इस एच पीस ने इधर जाना है या इधर जाना है, अच्छा इस एच पीस ने जाना है इधर, अगर तो इस एच पीस ने इधर जाना है तो इससे करेंगे इस एच पीस को दूर, दूर कर दिया, इस कॉर्नर को लेकर आएंगे उस एच पीस के ऊपर, और जब उसे वापस करेंगे तो हमारा पेयर बन गया होगा और हम उस पेयर को इधर इंसर्ट कर लेंगे जैसे पूरी दुनिया इंसर्ट करती रहती है। क्या था मुश्किल। अच्छा दूसरा मैंने यार इसको चूज़ किया यार, मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, इसका मैं एच देखूंगा टॉप पे या कहीं अड़ा हुआ है, एच पीस टॉप पे या, मुबारक हो। अब ये दोनों मुझे मिल गए और दोनों हैं भी अलग अलग, और अब मैं टॉप से देखूंगा इनके कलर सेम हैं या अलग अलग है, सेम है, यानी कि दूसरे वाला केस। तो मैंने क्या बताया था, अगर दूसरे वाला केस होगा, अगर दूसरे वाला केस होगा जिसके टॉप के दोनों कलर्स मैच होते हो, तो हमने वाइट वाले को साइड पे कर देना, हमने वाइट वाले को फ्रंट पे नहीं रखना, अभी वाइट फ्रंट पे है, वाइट को साइड पे कर देना है और इसको नीचे करके ये एच पीस जब हम इधर लाएंगे तो ये मैच कर जाएंगे। अब देखना इसको मैं नीचे किया, ये इसका एच पीस है, इस एच पीस को इधर लेकर आया और इसको ऊपर कर दिया और ये पेयर बन गया, लेकिन इसी असना में हमारा बैक वाला पेयर ख़राब हो गया। जब हम इसे बना रहे थे, मैं रिवर्स करता हूँ, जब हम इसे बना रहे थे इस पेयर को, तो हमारा बैक वाला ख़राब हो गया, तो हमने हमेशा हर पेयर बनाते हुए बैक पे एक खाली स्लॉट रखनी है। अभी बैक पे खाली स्लॉट नहीं है, लेकिन अब अगर मैं एक मूव करता हूँ तो बैक पे हमारी एक खाली स्लॉट आ गई है। अब हम उसी तरह इसको नीचे करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, इसको ऊपर करेंगे, हमारा पेयर बन गया, और अब इस पेयर ने इधर जाना है ऑरेंज ब्लू के बीचों बीच, तो ये पेयर बना हुआ है, जिस लेयर में जाना है उसको ऊपर करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और बूम हमारा दूसरा पेयर इंसर्ट हो गया। तीसरा पेयर मुझे नज़र आया, लेकिन देखो ये अभी साथ साथ जुड़े हुए हैं, मैंने बताया था दोनों टॉप लेयर में हों और साथ साथ जुड़े हुए ना हों, अभी ये जुड़े हुए हैं, हमें ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए। सबसे पहले हम इनको अलग अलग करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे भाई, कॉर्नर को एक दफ़ा नीचे करेंगे, ये एच पीस को कॉर्नर नीचे किया ना, इस एच पीस को दूर करेंगे, लेकिन याद रखना पीछे खाली स्लॉट रखनी है। अच्छा अब हम इसको अलग करते हैं, इसको नीचे किया, इसको दूर करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, और बूम हमारा भाई मुबारक हो, दोनों अलग अलग हो गए। अब देखो मैं यार तुम लोगों के लिए मुश्किल बनाता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोगों को अगर ऐसा केस आए तो तुम लोग डरो ना, मैंने पहले ही सिखा दिया हो। अब देखो ये है कॉर्नर और ये है उसका एच पीस, अब देखो टॉप के दोनों कलर्स मैच हैं या नहीं, नहीं, यानी कि ये सबसे पहले वाला केस है जिसमें टॉप के दोनों कलर्स मैच नहीं हैं। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, मैंने बताया था जब टॉप के दोनों कलर्स मैच ना हो, सबसे पहला केस, तो उस वक्त हमें वाइट के पीछे एच पीस नहीं चाहिए, वाइट के पीछे अभी एच पीस आ रहा है, ये वाइट है और इसके पीछे उसका एच पीस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे करके इस एच पीस को इधर ले आएंगे, इधर, ताकि जब हम इसको इंसर्ट करें तो ये इसके साथ चिपके। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है, जब हम इस एच पीस को इधर लाएंगे तो पहले इसको तो नीचे करेंगे ना, लेकिन नीचे करते वक्त हमारी ये लेयर ख़राब हो रही है जो बना लिया, तो हम बैक में एक खाली स्लॉट रखेंगे, खाली स्लॉट, ये है हमारा कॉर्नर और ये है हमारा एज। अब दोबारा मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, वाइट के पीछे हमारा एज है, जब टॉप के दोनों कलर्स मैच ना करते हों तो हमें वाइट के पीछे उसका एज पीस नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर को एक दफ़ा नीचे करेंगे और इस एज पीस को वहाँ से हटा देंगे, ठीक है, और दूर ले जाएंगे। अब ये हमारा थ्री मूव इंसर्ट के लिए रेडी है, थ्री मूव मतलब जब हम इस कॉर्नर को यहाँ इंसर्ट कर रहे होंगे तो ये इसके साथ चिपकेगा, देखना चिपका, अब तुम लोगों को पता है इस कॉर्नर ने इधर जाना और इसके साथ चिपक के जाएगा, तो ये इसके साथ चिपका, जिस लेयर में जाना उसमें इंसर्ट किया और नीचे कर दिया। मेरा नहीं ख्याल इससे आसान तरीके से दुनिया का कोई बंदा समझा सकता है। खैर
ये है हमारा लास्ट कॉर्नर और ये है उसका एच पीस। तो हम एक दफ़ा कॉर्नर को साइड पे करेंगे क्योंकि एच पीस को भी बाहर निकालना, तो कॉर्नर साइड पे कर दिया और एच पीस आर यू आर प्राइम से निकाल दिया और ये रहा हमारा कॉर्नर और एच पीस। हम देखेंगे कौन सा केस है। दूसरा केस है जिसमें हमारे टॉप के दोनों कलर्स मैच हैं। तो भाई सबसे पहले मैंने बताया था टॉप के दोनों कलर्स मैच हों, तो हमने कॉर्नर मतलब कॉर्नर का वाइट कलर अपने सामने नहीं रखना, कॉर्नर अपने सामने रखना बट वाइट उसका सामने नहीं रखना। तो वाइट को कर देंगे साइड पे, पीछे रखी हुई है हमने एक खाली स्लॉट। तो जब दूसरा केस आए तो हमने एच पीस को उसके साथ लेकर आना होता है कॉर्नर पीस के साथ। तो हम अगर इस कॉर्नर को नीचे करेंगे और इस एच पीस को इधर लेकर आएंगे यू टू से और जब इसको वापस करेंगे तो हमारा बन गया पेयर और हम इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं हमेशा वाली टेक्निक से। इस पेयर ने इधर जाना है तो उस लेयर को ऊपर करके इंसर्ट करके नीचे। और तुम लोगों को F12 पे इससे ज़्यादा आसान वीडियो अगर मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। और भाई मैं बुरी तरह थक चुका हूँ, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी तुम लोगों के लिए सिर्फ ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे क्यों इतना तुम लोगों से प्यार होता जा रहा है। खैर लेकिन यार मुझे तुम लोगों से वाकई दिल ही प्यार है, सब्सक्राइबर से, अपने हर एक एक सब्सक्राइबर से, क्योंकि यार मुझे बड़ा मज़ा आता है तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। तो भाई अगर आज की वीडियो में कोई भी चीज़ मुश्किल लगी हो, हालांकि लगनी नहीं चाहिए भाई, तो ये वीडियो एक दफ़ा दोबारा देख लो। और यार मैं अब जा रहा हूँ यार, लेकिन जाने से पहले तुम लोगों को बता के जाऊँगा एक और चीज़ यार, अगली वीडियो का थोड़ा सा स्पॉयलर दे कर जाऊँगा। हम ऐसे ही नहीं जाते भाई, हम स्पॉयलर दे कर जाते हैं। अगली वीडियो पर हम बात करने वाले हैं, जी हाँ आप सही समझ रहे हैं, आप काफ़ी हद तक ठीक समझ रहे हैं, एडवांस्ड क्रॉस। क्रॉस को एक सेकंड में कैसे सॉल्व करें, बॉटम में तो तुम लोगों ने सीख लिया मेरी पिछली वीडियो से, बॉटम में क्रॉस बनाना सीख लिया, लेकिन तुम्हें उसमें भी शायद 3-4 सेकंड्स लगते होंगे, बट हम 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। 1 सेकंड यार मेरी राइटिंग को इग्नोर करो, 1 सेकंड की बात कर रहे हैं भाई, 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करें। हमारी अगली वीडियो उसी पे होने वाली है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम sub 30, sub 20, 10 सेकंड्स, ये सारे बैरियर्स को अचीव करना सिखाएंगे। बट यार आज की वीडियो में इतना ही, लर्न स्पीड क्यूबिंग की सीरीज़ को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।